हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, यानी यूनिक सर्वी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हो रही है दोपहर का टाइम और बस घर का सारा काम वाम हो गया है। लंच भी रेडी कर ली हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हो गया, राइस नहीं बनाई हूँ। और आज का यहाँ मौसम फिर से ठंडी वाली हो गई, धूप बिल्कुल भी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा ठंड है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं किसी काम से बाहर, जो कि है जरूरी काम ही है, और बस जाकर और आधे घंटे में आ जाएंगे। तो सोची कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ आप सबको। ऐसे सोचते सोचते ब्लॉग बन नहीं पाता है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और कुछ तो है नहीं तो क्या बनाऊं, डेली एक ही कंटेंट आप सबको कैसे दिखाऊं। लेकिन ऐसे ही बनेगा यार, मेरे पास तो एक ही टाइप के कंटेंट रहते, तो क्या करूं, कुछ उसमें उसी में इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश कर रही हूं मैं। और आप लोग भी जैसे कि मेरी कंटेंट, मेरी ब्लॉग्स देखते हैं तो लाइक कर दिया करो। आज मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि लाइक किया करो यार, देखते हो तो एक तो व्यू ज्यादा नहीं आते मेरी ब्लॉग्स में, अगर आते भी हैं तो उसमें आप लोग बिना लाइक किए जाते हो तो क्या ही उसमें मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करो कि अगर आप देखते हो तो लाइक भी किया करो। चलो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जैसे कुछ कुछ कर रही हूँ तो आपको दिखाती रहूंगी। बाय गाइस। हम आए हुए हैं वॉक करने के लिए, आधी वॉक हो गई है, अभी बाकी है तो हम वॉक कर लेते हैं। क्या हुआ, थक गए हो? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आजकल हम नाइट वॉक करते हैं, हफ्ते में एक दिन। चलो हम इतनी भी तो कर रहे हैं, नहीं तो खाते पीते सो जाते थे। चलो ये वॉक करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे, अब मतलब आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगी। बाय गाइस। ओ भाई, बहुत वॉक हो गया, अब गर्मी लग गई। अब चलते हैं लिफ्ट के अंदर और चलते हैं रूम के अंदर, बहुत थक गए हैं। अब जाके थोड़ी टीवी भी देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। ये देखो इतना थक गए, जल्दी लिफ्ट के अंदर भाग रहे, मैं पकड़ नहीं लूंगी। थक गए हो। ओके ओके, बाय गाइस। तो अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ टेलर वाले के पास, एक सूट है उसको सिलवाने के लिए, टेलर को देने के लिए। वो तो जस्ट खाने जाने वाला था, उसको फ़ोन कर दी हूँ मैं तो रुका हुआ है, तो टेलर वाले को दे देते हैं, जल्दी से सिल देगा। बहुत सालों बाद मैं सूट सिलवाया वाला पहनूंगी, नहीं तो आजकल कहाँ सिलाते हैं। तो देखते हैं कैसा सिलता है, पहनने का बहुत मन था मतलब सिलाया वाला सूट, तो डेली कपड़े ली हूँ, अभी सिलाएगा, अच्छा सिलाएगा तभी अच्छा लगेगा, बात ये रहता है। चलो चलते हैं। आ गए टेलर वाले को अपने कपड़े देकर, यार बहुत टेंशन रहती है, और आजकल तो कपड़े भी नहीं सिलाने पड़ते हैं ना, मतलब सिला सिला सूट अच्छा मिल जाता है, लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे सिलाने का मन हो रहा था, सिलाया नहीं वाला, क्या बोल रही मैं, सिलाया हुआ सूट पहनने का मन हो रहा था कितने दिन से। तो मुझे
कपड़े दिखे तो मैं सोची कि सिला लेती हूँ, मतलब ली खरीद कर फिर सिलाने के लिए दी हूँ। देखो यहाँ फर्स्ट टाइम मैं अपना सूट सिलाने के लिए दी हूँ, कैसा सिलता है क्या होता है। अच्छा सिले यार, मतलब सूट अच्छी सिली रहती है तभी अच्छी लगती है, अदरवाइज नहीं अच्छी लगेगी, मैं उसमें अच्छी नहीं लगूंगी। और बस गई और सूट सिलाने के लिए देकर आ गई हूँ। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, एक दो रील बनाई हूँ टाइम पास, और थोड़ी देर में चाय वाय पियेंगे, चाय पी कर फिर देखा जाएगा, इवनिंग वॉक के लिए जाया जाएगा, नहीं तो डिनर रेडी करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो अभी मैं निकल गई हूँ अपने जिम के लिए, मैं गिर जाऊंगी नहीं। रुक गया गाड़ी, अभी ये हेलीकॉप्टर अभी उतरी थी फिर से गई, पास में स्टेडियम है उसी में। देखना धक्का मत देना मुझे, बस मेरा फोन चला जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, यानी यूनिक सुरभि ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हो रहा है इवनिंग का टाइम, संडे का दिन है, तो हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर आज। मैं कैसे आवाज में बोल रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर आज, घर के कुछ सामान लेना, मसाले वसाले लेना है वो लेने जाएंगे, उसके बाद से फिर हम जाएंगे मॉल में, मॉल में हमें कुछ सामान लेना है, कपड़े वपड़े लेने हैं, तो वो सब लेने के लिए मॉल जाएंगे, देखते हैं। उसके बाद शायद इनके फ्रेंड से, एक फ्रेंड मतलब यूपी साइड से आया है, तो उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर आगे चल के आपसे मिलते हैं। देखो मैं दो दो स्वेटर पहनी हूँ, थोड़ा सा और लग रहा होगा लेकिन ठंडी है ना बाहर, स्कूटी में ठंडी लगती है यार, इसलिए दो स्वेटर पहन ली, प्रिकॉशन ज़्यादा जरूरी है। तो कैसा लग रहा है, मतलब ठीक ही है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा है, ठंडी नहीं लगेगी और आप लोग के लिए भी ठीक ही होगा, आप लोग का क्या। तो चलो चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो कुछ झलक हमारे भी गुवाहाटी सिटी का देख लीजिए, सब रोड में भी राममय हुआ है और सब जगह मतलब सॉन्ग बज रहे हैं, फ्लैग्स हैं, तो काफ़ी अच्छे से राम जी का स्वागत के लिए तैयारी हो रहा है और अच्छा भी लगता है ना, एकदम एक्साइटमेंट लगती है। तो ओरिजिनल ऑडियो तो फिर नहीं डाल सकती मैं, इसीलिए मुझे ऑडियो इसमें अपनी फिर से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, ताकि आप सिचुएशन देखिए आगे आपके।
कौन सी चीज पहले लेना है? सही में क्या? अभी हम आए हुए हैं सुपर 99, कुछ घर का सामान सोच रहे हैं कि ले लें, देख रहे हैं कुछ पसंद आ जाएगा तो लेंगे। ये क्या है? मिरर। हेलो गाइस, दौड़ के लिए भी चाहिए ना। बाहर और बाहर आके पता लग रहा है कि हो रही है बारिश। इतनी ठंडी में बारिश होगी तो यहाँ का क्या टेम्परेचर होगा यार। आज तो लग रहा था कि थोड़ी सी गर्मी ही फील हुई और फिर आज ही बारिश हो गई। देखते हैं, भीगना नहीं चाहते हैं हम लोग, क्योंकि भीगेंगे तो बहुत ठंडी लगेगी। जल्दी से यहाँ से निकल कर और कहीं रुकते हैं, बाकी आगे चल के आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। कहीं अब तो बारिश हो रही है, शायद तक ही कहीं जाएंगे, देखते हैं। तो गाइस, कल की पूजा के लिए तैयारी हो गई है, सब कुछ ले लिए, दिया अनाज लेकर, मिठाई लेकर अब चल रहे हैं घर। बारिश अभी स्टार्ट है, तो नहीं है शाम तो जी आ रहे हैं, बारिश करा रहे हैं। खुशियों की बात, मतलब उस टाइम भी होती है बारिश जब दिवाली का टाइम रहता है तो। और इस टाइम में सोचो कि सच में राम जी आ रहे हैं ना। हे गाइस, तो आ गए हम लोग घर। आज तो बारिश स्टार्ट हो गई बहुत। घर का भी कुछ सामान सोचे थे लेने के लिए लेकिन ले नहीं पाए, और अभी आ गए हैं घर। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, हल्की फुल्की भीग भी गए हैं, लेकिन चलो ठीक है, टाइम से घर पहुंच गए। अब मिलते हैं कल, क्योंकि अभी थक गई हूँ मैं, अभी मुझे रेस्ट करना है। चलो बाय गाइस, गुड नाइट। देखो भाई साहब, हमारे घर तो राम जी को बुलाने की तैयारी हो गई है, झंडा भी लग गया, लाइट भी सज गई, दिवाली मनाने की तैयारी हो गई है। आप लोग के घर लाइट लगी कि नहीं लगी बताना आप लोग। ये देखो, इधर भगवान जी के कपड़े भी धुल गए हैं और बहुत ठंडी लग रही है। आप लोग को दिखाने के लिए अभी हम गैलरी में आए हैं। ओह, जो हवा चल रही है, जो कपकपी हो रही है रे भाई।
देखो हाथ में ब्लैंकेट ली हूँ और सोने जा रहे हैं। लाइट वाइट लग गई है, फ्लैग भी लग गया। अब सुबह में दिवाली मनाएंगे। चलो गाइस सो जाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो हस्बैंड जी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।